हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में जेएम फाइनेंशियल के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आगे क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और नया पोजिशन एड करने का। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जेएम फाइनेंशियल का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में कंपनी ने कुछ ही महीने पहले एक वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था, और जहां पे इसने 3 लेग के साथ अपना वेज को कंप्लीट किया, उसके बाद एक डबल बॉटम क्रिएट किया है और फिर ये फर्स्ट लेग और सेकेंड लेग के साथ अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी वेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे जाने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं वेज जहां से स्टार्ट हुआ है वहां तक कंपनी का शेयर प्राइस फिर से जाने की कोशिश करता है। जैसे कि ये यहां पे एक चैनल के थ्रू फर्स्ट लेग अपना क्रिएट कर लिया था, उसके बाद यहां पे 2 लेग के साथ इसने पुल बैक किया है, पुल बैक के बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कंपनी का शेयर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर रहे हैं, फर्स्ट आपके लिए मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज में ध्यान देना चाहिए, कंपनी का शेयर प्राइस कुछ दिनों से यहाँ पे एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा था और चैनल को ब्रेक करने के बाद 2 लेग के साथ ये इसने अपना पुल बैक कम्प्लीट किया है। पुल बैक कम्प्लीट करने के बाद यहाँ पे जब ये रिवर्स कर रहा था या जो रिवर्सल आया था पुल बैक का, यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक था जो कंपनी ने आज के दिन इसे कंप्लीट कर लिया है और ऊपर एक ट्रेल क्रिएट किया है और बार भी काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के शेयर प्राइस बाय किए थे या इस बीच में बाय किए थे तो यहाँ पे भी आप टेक प्रॉफिट ले सकते थे, जो था 104.70 के आसपास, जो कि आज ही के दिन ये कंप्लीट भी हो चुका है। मगर अगर आपका टारगेट है और थोड़ा बड़ा तो नेक्स्ट आपके लिए जो टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 113.70 के आसपास, जो कि है कंपनी का यहाँ पे। तो यहाँ तक क्या प्राइस यूं ही चला जाएगा? नहीं, यहाँ पे बीच में कंपनी बहुत सारा पुल बैक कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है और ऊपर ये एक टेल भी क्रिएट किया है, तो अगला दिन ये ऐसा फॉर्मेशन कर सकता है कि शेयर प्राइस और थोड़ा नीचे आए और यहाँ पे कुछ टाइम फ्लोट करने के बाद फिर ये रिवर्सल क्रिएट करे। तो इसी बीच में अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तो ये जब पुल बैक कंप्लीट करके फिर से रिवर्स करने की कोशिश करेगा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या एक दो स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड बार के साथ, तभी आप यहाँ पे नया पोजीशन ले सकते हैं। मगर आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा, ये जो पुल बैक होगा ये मिनिमम 2 लेग का होना चाहिए, उसके बाद अगर ये रिवर्स करता है तो ही यहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग पोजिशन में भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहते तो आप नया पोजीशन भी यहाँ पे बना सकते हैं। मगर करेंट सिचुएशन में आपके लिए वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा, या आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे आप होल्ड करके रखिए। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनता था, जैसे मैंने कहा है 104.70 जो कि है इसके टॉप तक, और सेकेंड जो टारगेट आपको मिलेगा 113.40 जो कि है ये जो टॉप पॉइंट है वेज का यहाँ तक, और फर्स्ट आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा ये जो बिग बार है इसके इमीडिएट नीचे यानी 92.20 के आसपास, और इसे अगर तोड़ देता है तो नेक्स्ट जो इसे स्टॉप लॉस मिलेगा 89.70 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो यहाँ पे। अगर आप कंपनी के अंदर अभी करंट सिचुएशन में नया कोई स्विंग पोजिशन बनाना चाहते हैं तो आपके लिए भी स्ट्रेटेजी वही रहेगा। यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ अगर ये पुल बैक करता है और फिर एक दो स्ट्रॉन्ग बुल बार के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस केस में आप यहाँ पे नया पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वही 104.70 और सेकेंड 113.40 आपके लिए फर्स्ट और सेकेंड टारगेट रहेगा। और अगर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे पुल बैक ना करके यहाँ पे ब्रेकआउट करता है 105 के ऊपर, तो ब्रेकआउट करने के बाद आप यहाँ पे इमीडिएट पोजीशन नहीं लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसे पुल बैक करने दीजिएगा 2 लेग के साथ, और उसके बाद जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब इस केस में आप नया पोजीशन यहां पे ले सकते हैं, आपके लिए टारगेट वही 113.40 रहेगा। और जो स्विंग ट्रेडर वाले हैं, ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है फिर ये रिवर्स करने की कोशिश करता है
तो आपके लिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये ऊपर हट के यहाँ पे ये जो नया स्विंग पॉइंट लो ये बनाएगा उसके नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से आप टेल करते जाएंगे जब तक कि आपका टारगेट ना आ जाए या एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल ना आ जाए। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल यानी एक बड़ा बेयर बार, उसके बाद एक कंफर्मेशन बेयर बार, जिससे कि हम लोगों को ये लगे कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ सकता है या ये दो बार काफी स्ट्रॉन्ग है। अचानक अगर कोई बिग बार ये क्रिएट करता है, जैसे कि इस तरीके का कोई बार अगर ये बेयर में क्रिएट करता है और उसके बाद कोई फॉलो थ्रू यानी कंफर्मेशन बार नहीं देता है, तो उस केस में कंपनी का शेयर प्राइस इमीडिएट रिवर्स हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी आप कह सकते हैं मोर देन 80% केसेस में। अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं या पोजीशन बना के रखे हैं, तो यहाँ पे छोटा सा चीज आपको देखना चाहिए, जैसे कि 125 के ऊपर अगर कंपनी का शेयर प्राइस ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट कंपनी का शेयर जाने का प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 170 to 180 to 190। मगर करेंट सिचुएशन में ये एक बेयर फ्लैग के अंदर है, और एक बेयर फ्लैग का जो फ्लैग होता है वो एक ट्रेडिंग रेंज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे स्विंग किया है और करेंटली ये भी एक स्विंग फेज में है। तो जब तक इस प्राइस पॉइंट को यानी 125 के प्राइस पॉइंट को तोड़ के ऊपर जाके फिर ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश ना करें स्ट्रॉन्ग बुल बार के साथ या एक दो बुल बार के साथ, तब तक आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन तो मत सोचिए। आपके लिए जो पोजीशन आइडियल होगा जब ये शेयर प्राइस फिर से नीचे आके फिर यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, उस केस में आप नया लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर पोजीशन बनाते हैं तो हो सकता है आपका जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर फंस जाए। और जब भी ये ब्रेकआउट हो, इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि ये ऊपर ही ब्रेकआउट होगा, हो सकता है अगले दिनों में ये नीचे भी ब्रेकआउट हो, तो उस केस में आपको थोड़ा सा लॉस भी देखना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जब तक कोई ब्रेकआउट ना आए अच्छा खासा, तो तब तक यहाँ पे पोजीशन लेना सही नहीं होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी का शेयर है, कंपनी के शेयर के अंदर दम है, तो कंपनी का शेयर आप होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। तो मुद्दा मामला यहाँ पे यही है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग पोजिशन बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पोजिशन बन सकता है, थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाना चाहते हैं तो भी आपको क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर करना होगा, मगर फाइनेंशियल और फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या किसी और कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।